नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम रमगढ़ा विकास खंड सुजानगंज जौनपुर महोदय, हमारे गांव का जो खड़ंजा लगा है उसमें काफी दूर तक खड़ंजा क्षतिग्रस्त हो चुका है और बगल में बनी नाली ध्वस्त होकर समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण गंदा पानी व कीचड़ खड़ंजा पर आकर कचरा जमा हो गया है, जिससे हम समस्त ग्रामवासी को आने जाने में बहुत ही समस्याएं बनी हुई है। आए दिन महिलाएं, बच्चे, बूढ़े व आने जाने वाले राहगीर फिसलने व जल जमाव के कारण गिरते व चोटिल होते रहते हैं। गंदगी के कारण डेंगू व अन्य बीमारी फैलने की संभावना बनी हुई है। कई बार इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दिया गया, किंतु ग्राम प्रधान आज तक खड़ंजा, नाली तथा लाइट की समस्या को सही नहीं करवा पाए, केवल बहाना बताकर समय व्यतीत कर रहे हैं, जिससे समस्याएं बनी हुई हैं। अतः सुजानगंज खंड विकास अधिकारी महोदय से समस्त ग्रामवासियों ने निवेदन किया है कि हमारी समस्याओं को संज्ञान में लेकर तत्काल संबंधित अधिकारी को भेजकर खड़ंजा, नाली व लाइट तथा दवा छिड़काव करवाने की कृपा करें। रौनक मौर्य, सुनील कुमार सूरत, नितिन लाल बहादुर मौर्य, सुभाष चंद्र मौर्य, अंकित कुमार, सुरेश कुमार, देवरात मौर्य, राम पारे मौर्य, राधेश्याम अच्छीलाल, श्री राम किशन मौर्य आदि कई लोग उपस्थित रहे। क्या समस्या है जो आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या है दादा? ये है गंदगी बिहार रोड पर है और का नाम क्या है, पानी निकास का है, नाला चाहता है जी, क्या होना चाहिए, क्या कमी है बताइए। सड़क ये सही रहे, चाहे पानी न रहे, चाहे कचरा न रहे, और नाला दोनों नाली नहीं बनी है, नहीं है खड़ंजे जो नाली के जो नहीं कचरे के पानी जो आ जाती है खड़ंजे पर, उसके लिए आपने प्रधान से नहीं कहा? कहा था अभी लाइट बनाने जब देखे आए रहे हैं तब वो कहा था, लेकिन बनाए नहीं। जो खंबे की लाइट, खंबे की लाइट अभी जलती है, पानी भी कहे तो कहे कि आगे कहाँ निकाल है, अच्छा पानी निकाल नहीं है, अच्छा कीचड़ भी है। यहाँ खंबे की लाइट जो है कितने दिन से नहीं चल रहा है? प्रधान जी आते नहीं आपके गाँव में? तो आपके यहाँ सफाई कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं ब्लॉक द्वारा, तो सफाई कर्मी जानते हैं आप लोग? कोई नहीं जानता है ब्लॉक, सफाई कर्मी भी नहीं जानते। क्या इसके पहले यहाँ पे नाली था खड़ंजा के बगल में? आप लोगों ने नहीं पूछा कि इसके पहले जब नाली था तो वो पानी कहाँ जाता था? हाँ, हमारे पास जो थोड़ा गड्ढा था उनका पानी खेत में, गड्ढा तो था ना, कुछ नहीं था, नाली खेत में, खेत में निकाल नहीं था नाली, वहाँ पे गड्ढा बनाने के लिए सरकार ने भूमि तो आवंटित किया है? नहीं किया वहाँ नहीं, जब यहाँ पे पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं था तो जो नाली बनाई गई जो पड़ गई है उसमें तो पैसा बेकार गया ना, खराब हो गया, जब निकासी नहीं थी, जल निकासी नाली बनाई कोई जरूरत थी नहीं। अरे रोड तो बना था, नदी तक भी नदी में चला जा, लेकिन बना ही नहीं, कंप्लीट गया फिर भी बना नहीं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।